डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर शहर के रास्तों पर गड्ढों को लेकर टीम ओमी कलानी की तरफ से लगातार उल्लासनगर मनपा प्रशासन को पत्र देकर रास्तों के गड्ढों को भरने को लेकर लगातार दबाव डाला जा रहा था, जिसके चलते शुक्रवार रात को 11 बजे से उल्लासनगर 2 के नेहरू चौक, गोल मैदान परिसर, नाना नानी पार्क परिसर में रास्तों के गड्ढों को भरने का कार्य शुरू किया गया है। कुछ दिन पहले ही टीओकी की तरफ से नवनियुक्त मनपा आयुक्त विकास ढाकने जी को पत्र देकर शहर को गड्ढों को भरने की मांग टीओके द्वारा की गई थी। साथ ही टीओके पार्टी सदस्य व व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी द्वारा ये चेतावनी भी दी गई थी कि जल्द शहर के गड्ढों को भरने का कार्य शुरू नहीं किया गया तो टीओके की तरफ से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी और शहर में गणेशोत्सव के दौरान गणेश आगमन में जनता को कोई परेशानी ना हो, जिसके चलते टीओके और राजेश टेकचंदानी के प्रयासों से कल पैनल नंबर 5 और 6 के रास्ते के गड्ढों को भरने का कार्य किया गया। ये जो टीम ओमी कालानी ने पिछले दिनों एक मुहिम चालू की कि सेल्फी विद पातुल हैशटैग, उस मुहिम का फायदा हुआ और प्रशासन नींद से जागा और शहर भर में खड्डे बुझाने का कार्य चालू किया गया। और सबसे पहले हमारा ये निवेदन था आयुक्त साहब को कि चालिया साहब मंदिर के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं, सबसे पहले वहाँ के खड्डे बुझाने चाहिए। वो खड्डे बुझा दिए गए हैं और वहाँ पे अलग मशीनरी का काम चालू है और हमारे टीम ओमी कालानी के वहाँ के कार्यकर्ता वहाँ भी लगे हुए हैं। और ये एक व्यापारिक क्षेत्र है और रहवासी क्षेत्र है, तो मेरी कई दिनों से ये स्ट्रगल चालू था कि प्रशासन से हमने झगड़े भी किए थे, पिछले आयुक्त जो थे उनसे तो मैं लिटरली झगड़ा करके आया था। हमारी टीम पूरी साथ में चली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसी दिन बदली हो गए दूसरे दिन, और नए आयुक्त आए तो हमने वो भी अपॉर्चुनिटी लिया और उनको पूरा ये हमने बताया जानकारी कि ये ऐसी ऐसी व्यवस्था शहर की हो गई है और हालत ख़राब है और तुरंत खड्डे बुझाने का कार्य किया जाना चाहिए, ठेकेदार को टाइट करना चाहिए। तो टीम ओमी कालानी ने स्क्रू ड्राइवर का काम किया है और आयुक्त को निवेदन दिया और स्क्रू ड्राइवर का काम जो हमारे PWD डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर उनका स्क्रू ड्राइवर चला और शहर भर में आप देखोगे कि खड्डे बुझाने का कार्य चालू किया गया है। और इसी क्रम में आज मेरे क्षेत्र में गोल मैदान क्षेत्र और हमारा हेमराज डायरी क्षेत्र, नेहरू चौक गोल मैदान क्षेत्र, इसमें खड्डे बुझाने का कार्य आज चालू किया गया है और जो रात भर चलेगा, मैं, मेरे कार्यकर्ता, मेरी पूरी टीम, हम लोग यहाँ खड़े रह के ध्यान से काम करवाएंगे। और इस पूरे कार्य में मुझे विशेष सहयोग मिला हमारे टीओ के प्रमुख ओमी कालानी जी का, उन्होंने पूरा मुझे सहयोग दिया। जितनी बार भी मैंने उनके दरखास्त की उन्होंने काफ़ी मुझे सहयोग किया इस काम में। तो ये कार्य आज किया गया है, थोड़ी देर हुई है लेकिन पिछले 4-5 दिनों से प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन जैसे शाम हो रही थी बारिश आ जाती थी, जैसे शाम हो रही थी बारिश आ जाती थी। बारिश में हम लोग डांबर का काम कराएंगे, पब्लिक के पैसे भी वेस्ट होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये 5-6 दिन लेट हो गए काम को, लेकिन आज रात को ये कार्य कराया जा रहा है। रात भर जाग के काम करोगे? रात भर जाग के काम करेंगे, हर साल करते हैं, आप हर साल हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, हर साल नागरिकों को पता रहता है। मैं ये डांबर, ये जो नेहरू चौक गोल मैदान रोड है, ये मेन रोड है, तो यहाँ पे दिन में कार्य होगा नहीं क्योंकि ट्रैफिक रुकती नहीं है, बाजार पेट है और ट्रैफिक रुकेगी नहीं तो फिर वो डांबर पकड़ेगा नहीं। तो ये रात को एक साइड से रास्ता बंद करके हम पूरी अपने कार्यकर्ताओं की टीम लगाते हैं, हमारे वार्ड के कार्यकर्ता, हमारा स्टाफ और ठेकेदार के कार्यकर्ता अपना स्टाफ रहता है और म्यूनसिपल्टी के हमारे जो मुकादम वगैरह और PWD का स्टाफ रहता है, तो वो मैनेज करते हैं पूरा रात भर। हर साल का है, पहला साल नहीं, हर साल करते हैं, पैनल में काम करवाते हैं। देखिए, हम सोशल वर्कर हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमको कहीं भी काम करना है, ये इसका वार्ड है, ये उसका वार्ड है, ये हम नहीं देखते। हमको टीम ओमी कालानी के प्रमुख जो बोलते हैं हम वहाँ कार्य कराते हैं। तो ओमी भाई ने आज मुझे बोला कि आप शुरुआत कराओगे, अपने इधर ध्यान दोगे वो ठीक है, लेकिन गोल मैदान का भी पूरा सराउंडिंग करा के लेना। तो मैंने वहीं से ही शुरू किया है, तो गोल मैदान का पूरा सराउंडिंग कराने के बाद फिर आगे नेहरू चौक गोल मैदान रोड और उसके बाद इंटरनल मेरा रास्ता जाता है हेमराज डायरी के तरफ, वहाँ पे जो भी हमारे ट्रैपर्स पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, जहाँ पे ज्वाइंटर्स हैं,
अंदर इंटरनल रोड्स के, वो सारे ट्रैपर्स भी बारिश ज़्यादा होने के वजह से ख़राब हुए हैं, तो वो कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे, वहाँ कराएंगे, सबका देखिए काम किसका है ये सबको पता है, इनकम्बेंट कौन है, सत्ताधारी कौन है, कुर्सी पे कौन बैठा है और किसका ये कार्य है। लेकिन मैं फिर भी हमारे उम्मी पप्पू कालानी जी को शुक्रगुजारी करूँगा कि उन्होंने हमको व्यवस्था करके दी और हमारे साथ कमिश्नर के पास चले, लड़े और पूरी PWD को स्क्रू ड्राइव किया उन्होंने और हमको पूरी व्यवस्था करके दी। और इनफैक्ट मेरे को ओमी भाई ने ही फ़ोन किया कि जाओ वहाँ पे आपके इधर कार्य चालू हो रहा है, करवा रहा हूँ, आप जाके मैनेज करो जैसे आप हर साल करवाते हो। हम अपना काम कर रहे हैं, हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे, आने वाले सालों में भी करते रहेंगे।